राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पूरे देश व प्रदेश के साथ चमोली जनपद में बड़े धूमधाम से मनाई गई। वहीं ग्राम जौरासी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जौरासी व राजकीय जूनियर स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बुटोला ने कहा कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने पौराणिक परिधान में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, आने वाले भविष्य में यही इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के पठन पाठन के लिए व विद्यालय भवन के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास करेंगे। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी का आभार प्रकट किया। चमोली से नीरज खंडारी की रिपोर्ट। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने सोचा कि पंडित लालबहादुर शास्त्री और हमारे जो द्वितीय प्रधानमंत्री हुए हैं और महात्मा गांधी की जयंती पे हम एक अच्छा सा प्रोग्राम दिखाएं, एक अच्छा संदेश दें जो यहाँ पे अगल बगल वाले गाँव है, जैसे कि मूठा है, डूंगर है, कांडई है, जोरासी है, तो एक गांव में हमारे बच्चों की अच्छी पहचान बने। अभी तक हमको यहाँ पे 15 साल हो गए हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे 15 साल जब विद्यालय खुला था तो ये विद्यालय हमारे ही द्वारा खुला गया था, मतलब 2009 में। और उसके बाद हम किन विकट परिस्थितियों में हमने ये दिन देखे हैं और किस प्रकार से हम कैसे हमने अपना यहाँ पे कार्य चलाया है, बहुत ही विकट स्थिति में हमने कार्य चलाया है। उसके बाद जिला पंचायत ने हमको एक भवन दिया, उस पर भी 2 कमरे दिए और बच्चे कुछ नहीं कर पाए, हम शासकीय प्रोग्राम कोई कुछ कर ही नहीं सकते थे। और बाद में जब हमको जिला पंचायत ने 2 कमरे दिए तो उसके बाद इस समय हमने सोचा कि हम शासकीय प्रोग्राम करें और बच्चों में एक निखार लाए। वैसे हमारे बच्चे जब हम किसी मंच पर जाते हैं, चाहे कोकी ले आते हैं, चाहे जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ले आते हैं, अच्छे अच्छे शासकीय प्रोग्राम में हमारे बच्चे भाग लेते हैं, लेकिन विद्यालय में हम कभी भी शासकीय प्रोग्राम नहीं कर पाए। देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और सरकार भारत सरकार का जो समग्र शिक्षा अभियान है वो एक बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन जो यहाँ पे स्कूल पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। और समग्र शिक्षा अभियान तभी सफल हो पाएगा जब इस तरह के बच्चों को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और ताकि वो अपने सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की सोच है वो पूरी हो पाए। इस मामले में जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, छात्र हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं वो प्राप्त नहीं है, उसके लिए प्रयास करूंगा मैं।